मात मेरी गो मात मेरी, मात मेरी कृपा रखियो सदा गो माता, मात मेरी कृपा रखियो सदा गो माता, चरणों में शीश झुका करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, मात मेरी गो रखियो सदा गो माता, चरणों में शीश झुका करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, मात मेरी गो मात मेरी हो। ताली सेवा करते आनंद गो माता के चरणों में आनंद लेने का। गाय चराए मेरे शाम हमेशा, गाय चराए मेरे शाम हमेशा, गाय चराए मेरे शाम हमेशा, बंसी बजाए काना करती है गो चरण, बंसी बजाए काना करती है गो चरण, चरणों में करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, मात मेरी गो मात मेरी। घर में हो गई या तो सेवा करावे, अगर घर में होगी नहीं तो सेवा कहाँ से करोगे, और अगर घर में जगह है तो रखो। कई भाई बहन कहते कि अरे दीदी मारा तो घर में जगह ही कोनी, मारी भाई घर में तो घनी जगह है, थारा दिल में जगह कोनी, और जिसके दिल में गौ माता के लिए जगह नहीं है, ठाकुर जी के दरबार में सुई के नोक जितनी जगह उसको मिलने वाली नहीं। घर में हो गई घर में हो गई या तो सेवा करावे, दूध दही घी नहीं सही मेरे प्यारो, दूध दही घी नहीं सही मेरो प्यारो। कई भाई बहन कहते ना सारी गड़बड़ी डोकरियों ने करी, दादियों ने, दादाजी ने कह देवे की फलाना की भैंस तो इतना लीटर दूध देवे, मारी गाय तो एक लीटर देवे, इन्हें परी बेचो और भैंस लाओ मारे तो गाटो गाटो दूध पियो। क्यों माता, क्यों भाई, खीर बनानी हो तो भैंस का दूध, घी गणो निकले मारे तो भैंसिया गणी है। संगति भैंस की फिर शरीर भी भैंस जैसा और बुद्धि भी, इसलिए संगति करो गौ माता की। मेरे भाई बहनों दूध नहीं देगी, वैसे तो गौ माता दूध देती है, गाय माता की जो ऐसी नस्लें हैं, थार पार कर हैं, लाल सिंधी है,
जो गीर गौ माताएं दूध देने में देती है, बहुत सारा देती है, और भी गौ माताएं दूध तो देती हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 15, और ऐसी भी गौ माताएं जो 60-60 लीटर दूध देती है। मान लो दूध नहीं भी देती तो सारे देवता गौ माता के तन में। एक गाय माता घर में है तो रोज प्रणाम करो, घर में आरती कर लो, घर में ही मंदिर है, चरण तिलक लगाने की जरूरत नहीं, गौ माता के चरणों की रज उठा करके मस्तक पर लगा लो। कित वात्सल्य है, प्रेम है, ममता है, गोबर देती है, गौमूत्र देती है, आनंद देती थी, और क्या चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर जाते हो ना, मंदिर दर्शन करने जाते हो कि प्रसाद खाने? सही सही बोल, प्रसाद खाने नहीं, किस लिए? दर्शन। और अगर पुजारी जी प्रसाद नहीं दें तो माथा पोड़ी करते हो, उसके माथे पड़ जाते हो, लड़ाई करते हो, जबरदस्ती छीन लेते हो। दे तो इसकी मर्जी और नहीं दे तो अपने को काम किससे था? दर्शन भगवान। इसी तरह घर में गाय माता है, अब गौ माता के दर्शन हो गए, देवताओं की कृपा हो गई, गौ माता को भोजन जिमा के पुण्य कमा लिया, गोबर से आंगन लीप करके शुद्धता कर ली, गौमूत्र पी के बीमारियां मिटा ली, भगवान की कृपा प्राप्त कर ली। अगर दूध नहीं भी दे तो कोई बात, इतना कुछ तो मिल रहा है। घर में हो गई या तो सेवा करावे, घर में हो गई या तो सेवा करावे, घर में हो गई या तो सेवा करावे, घर में हो गई या तो सेवा करावे। दूध दही घी नहीं सही मेरे प्यारो, दूध दही घी नहीं सही मेरो प्यारो, दर्शन है देवों का, चरण की रज है चंदन, आ गया मुझको आनंद, करूं मैं तुमको वंदन, आग मेरी गो मात मेरी, मात मेरी कृपा रखियो सदा गो माता, चरणों में शीश झुका करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, मात मेरी को मात मेरी। ताली सेवा करते रहे, ये तो हाथ परमात्मा ने दिए हैं, रक्षा करेंगे दोनों हाथों से, क्योंकि परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने एक में गीता दूसरे में गांधी उठाया है, ये दो हाथ प्रभु ने दिए। आज भगवान से शक्ति मांगो ताली सेवा करके, ये प्रभु इनको इतना मजबूत बना दो, एक सेवा में लगे, एक रक्षा में लगे, ये दो हाथ हमारे गौ माता गौ सेवा की रक्षा में और गौ माता की सेवार्थ हो, ताकि इन हाथों से कमाया गया दान धन हमारे परिवार की पुष्टि करे और सद्बुद्धि दे, इन हाथों से सेवा हमारे जीवन का कल्याण करे, इसे ताली सेवा करते हैं। तन मन धन का सुख देती है, 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 कृष्ण को पाने का गौ माता है साधन, कृष्ण को पाने का गौ माता है साधन, घर में रखो सेवा करो, मिल जाए नंदन हो, मिल जाए नंदन, करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, मात मेरी गो मात मेरी, मात मेरी कृपा रखियो सदा गो माता, मात मेरी कृपा रखियो सदा गो माता, चरणों में शीश झुका करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको आनंद, करूं मैं तुमको वंदन, आ गया मुझको
मैया की जय हो।